गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह हम तैयार हो रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए हमारा तनिष भी जो है ये भी तैयार हो गया, तो ये बोल रहा है कि बुआ जी चलो आज जो है घूमने के लिए चलते हैं। तो आज संडे है तो फिर हम लोग जो है आज घूमने जा रहे हैं। आ जाओ इधर अपने फ्रेंड्स लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग कर दो बेटा, चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनिष थापा और मैं अभी तक तो तैयार नहीं हुआ था, पर अभी घर जाके जरूर तैयार होऊंगा तभी। और आप कहाँ जा रहे हो घूमने आज? आज हम मॉन लिंगा जा रहे हैं सेकल हाथ के ऊपर, मीन्स मॉनेस्ट्री तभी। तो फिर हम वहाँ पर जाकर आपसे मिलेंगे, है ना? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपसे वही मिलेंगे और आपको दिखाएंगे उधर का नजारा। वहाँ को वहाँ फिश और भी है तभी, और वहाँ एक वो भी है टेंपल, उसके एक ही टिकट लगता है 3 जनों या 4 जनों के लिए। तो फिर चलो फ्रेंड्स ना मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है बाय। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री में फतेहपुर के पास ही। तो है मेरी सिस्टर है, मेरी भाभी है, तो आज संडे की जो है इसकी तनिष की छुट्टी है, तभी फिर हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है नौरवलिंगा और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको फीस देना पड़ता है, एंट्री फीस। तो फिर एंट्री फीस देने के बाद जो है अब हम यहाँ पर अंदर जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन है, चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छा, मतलब हरा भरा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, और जो ये है तिब्बती भाषा में जो है नौरवलिंगा का मतलब होता है गार्डन। और यहाँ पर रास्ते में जो है मतलब बहुत ही सुंदर हरा भरा गार्डन है, और साथ में यहाँ पर कैंटीन भी है, आप लोग यहाँ पर मतलब बैठकर आराम से चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो। और यहाँ पर रास्ते में दोनों तरफ जो है छोटा सा तालाब बना हुआ है, और यहाँ पर जो है मछलियाँ भी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर प्रार्थना चक्कर भी है जिसको हम जो है गोल गोल घुमाते हैं और मन में भगवान से विश करते हैं।
और यहाँ पर अंदर जो है दीवारों में बहुत ही सुंदर पेंटिंग किया हुआ है। और इन दीवारों पर जो है आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको पेंटिंग ही पेंटिंग नज़र आएगा, और जो ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो है बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जिसका हमने बहुत ही आनंद लिया और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जो नर्वलिंगम है बहुत ही खूबसूरत फूल बाग बगीचा है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुआ है। तो यही सब कारण है जो टूरिस्टों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। और यहाँ पर छुट्टियों के दिन में हो चाहे कभी भी जो है टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं काफ़ी। और यहाँ पर जो है डॉल हाउस है। तो फ्रेंड्स ये जो है डॉल हाउस जो है इसमें मतलब तिब्बतियों का जो है कला संस्कृति जो है उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पूजा पाठ जो है उन सबको दर्शाया गया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ख़ास करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये आकर्षित करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इनके संस्कृति को अच्छे से जान सकते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर जो है शॉप भी है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है शॉप में पेंटिंग वगैरह, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आप लोग सभी कुछ परचेस कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।